अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हो कि काफ़ी दिनों से मैं यानी सोशल मीडिया से दूर हूँ, लेकिन एक सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया जहाँ से मैं अपनी बातें आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, इसके लिए अभी मैं फेसबुक लाइव आया हूँ आपको बताने के लिए कि यानी बहुत सी बातें हो रही है, बहुत सी चीज़ें हो रही है, लेकिन जो सच है वो आवाम को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है करके। इसके लिए मैं लाइव आया हूँ। आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से मुझे यानी दो झूठे केसेस बनाए गए और मुझे शहर से शहर बदर किया गया, तड़ी पार किया गया उन झूठे केसेसों का रेफरेंस दे करके। उसके बाद यानी मैं यानी जब मेरी तड़ी पारी मैंने कोर्ट से यानी उसे चैलेंज करके कैंसिल करवा दी, कोर्ट ने उसे यानी रद्द कर दी कि ये गलत हुआ है, ये हुआ है, तो उतनी बौखलाहट थी सामने अपोजिशन को कि उन लोगों ने मेरे जो पुराने झूठे केस बनाए थे उसमें यानी अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके यानी उसमें कुछ औरतों को इस्तेमाल करके मुझ पर गंदे आरोप लगाने की कोशिश की। उसके बाद यानी कैसा हुआ कि उसकी मेरे साथ वालों को सबको बेल मिल गई, मेरे बेल के टाइम पे यानी औरतों को प्रोड्यूस किया गया, ये किया गया। उसके बाद यानी मैं जिन लोगों को अपना अच्छा वेल विशर समझता था, कुछ एडवोकेट जो मेरे यानी भाई जैसे थे, उन लोगों ने यानी सामने वालों से पैसा लेकर के समझो या जैसा भी समझो, अब वो तो मैं आके सब खुलासा करूँगा, उनके नाम के साथ खुलासा करूँगा कि उन लोगों ने भी मुझे गुमराह किया। मुझे बहुत पहले 4 महीना पहले ही आप लोगों के बीच अपने शहर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो एडवोकेट लोगों ने जानबूझ करके कुछ ऐसा खेल खेला कि मेरा हाई कोर्ट में उसको रिजेक्शन करवा के लिया, विड्रॉ करवा के लिया, और मुझे यानी आज जो 4 महीना 5 महीना तकलीफ हुई वो करनी पड़ी। खैर अल्लाह बड़ा बादशाह है, तो मुझे यानी फिर मैंने कोर्ट का वापस से दरवाज़ा खटखटाया, सेशन कोर्ट गया, सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हुई, फिर मैं हाई कोर्ट गया, वहाँ से रिजेक्ट हुई, लेकिन मुझे इस देश के कानून पर आज भी पूरा भरोसा है। उस भरोसे के चलते ही साथ देखिए अभी मैं सुप्रीम कोर्ट आया हूँ, पीछे मेरे सुप्रीम कोर्ट है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मेरा केस इतना बड़ा नहीं, बस वहाँ पर यानी अपनी ताकतों के चलते और साजिशों के चलते मुझे रोका जा रहा था, यहाँ से मुझे बहुत जल्द राहत मिलेगी इंशाल्लाह ताला। मेरा आज पुटअप भी हो गया है सुप्रीम कोर्ट में मैटर, इंशाल्लाह ताला हफ्ते भर के अंदर यानी मैं आप लोगों के बीच आ जाऊँगा। आप लोगों से बस दुआ की अपील करने आया था कि यहाँ पर मेरी हियरिंग है आजकल में, आप लोग दुआ करिए जल्द से जल्द मुझे यहाँ से राहत मिल जाए। जो भी अभी यहाँ से फैसला होगा उसे इंशाल्लाह ताला मैं स्वीकार करूँगा और मैं आप लोग के बीच में आऊँगा, अल्लाह के हाथ में, और आप लोग बस दुआ करिए यही बताने के लिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट आ चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मेरा मैटर पुटअप हो चुका है। जितनी भी ताकतें लगी हैं मुझे शहर से दूर रखने के लिए, जितने भी मेरे साथ रह करके मेरे भाई बन करके मुझे धोखा दिए कुछ पैसों के लिए या कुछ लालच के लिए या कुछ हो सकता है डर के लिए, उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि ऐसा मत करिए, लोग आप पे भरोसा करते अपना समझ करके, आप लोग ऐसा मत करिए। आज यानी आप लोग ऐसा करोगे तो कौन आप लोगों के पास आएगा शहर में, कौन आप लोग, मैंने आप लोगों का फोटो चलाया अपने पेज पे कि मेरा भाई है, इसने बहुत मेहनत किया और इतना इतनी बड़ी गद्दारी, इतना गुमराह कर दिया, 4 महीना 5 महीना मेरा तोड़ दिए, तो वही सब चलते मैं कोर्ट आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट। इंशाल्लाह ताला मेरे को आवाम पे भरोसा है। देखिए आप लोग याद रखिएगा कि आने वाले टाइम पे इलेक्शन है, 1.5 महीने के अंदर मैं इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह ताला कोर्ट आ ही जाऊँगा, मैं शहर आ ही जाऊँगा। आप लोग भी यानी कट करिए फोन, आप लोग भी यानी दुआ करिए कि यानी जो इलेक्शन से यानी मैं पहले आ जाऊँगा, इलेक्शन में आप याद रखिएगा कि किस तरीके से हमारे कब्रिस्तान को दलदल में कन्वर्ट कर दिया गया, कब्रिस्तान की ज़मीन का हेरफेर किया गया, अच्छी जगह बिल्डरों को देकर के आज वहाँ काम चालू है, किस तरीके से टोरेंट को हम पे मुसल्लत किया गया, किस तरीके से आज यानी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हर एरिया से मैसेज चलते कि यानी कहीं पे यानी पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे यानी कुछ नहीं चल रहा है, किस तरीके से कचरों का अंबार शहरों में लगाया गया। आज हमारी टीम माशाल्लाह बहुत वहाँ पर काम कर रही है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, आपसे यही उम्मीद है कि आकर के जब मैं इलेक्शन की तैयारी हम लोग करेंगे तो आप लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा हम लोगों को, आप और हम मिल करके इंशाल्लाह इस तरह शहर की यानी जो यानी शहर में जितने भी नगर सेवक हैं हम वो बदलेंगे, अच्छे नगर सेवक बैठेंगे जो आपकी खिदमत करें, और इस तरीके से एक अच्छा रहनुमा हम हमारे शहर में लाएंगे, इस तरीके से किसी शख्स को नहीं लाएंगे कि जो यानी बेगुनाहों पे झूठे केस बनाता है और इस तरीके से बेगुनाहों को दौड़ाता है यानी अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करता है, उसको इंशाल्लाह ताला इस बार पावर नहीं देंगे। बस यही दुआ के साथ आप वापस से मेरा लाइव बंद करने से पहले मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि मेरे लिए प्लीज़ दुआ करिए, मेरा सुप्रीम कोर्ट में मैटर पुटअप हो चुका है, बहुत जल्द यानी मेरा यानी यहाँ पर हियरिंग है, मैं इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर हियरिंग हो जाएगी, तो हफ्ते भर में आप लोग के बीच आ जाऊँगा और फिर हम मिलकर इंशाल्लाह ताला शहर बदलेंगे। क्योंकि याद रखिए अगर इस बार हमको शहर बदलना है तो टोटल नगर सेवक बदलना है, तभी जाकर के शहर बदलेगा। आपका छोटा भाई, अल्लाह हाफिज़।